स्टूडेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड थर्ड, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न चैप्टर नंबर 11, दैट इज एडजेक्टिव. नाउ व्हाट इज एडजेक्टिव? इन द प्रीवियस वीडियो आई एक्सप्लेन यू व्हाट इज एपोस्ट्रोफी एस, यानी कि एपोस्ट्रोफी एस का हम कहाँ और कैसे यूज़ करते हैं वो हमने सीखा था. एपोस्ट्रोफी एस हम कहाँ यूज़ करते हैं, जैसे उसको बिलोंगिंग यानी कि ये चीज़ किसकी है उसको बताने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एपोस्ट्रोफी एस. फॉर एन एग्जाम्पल, ऐसा है द स्कूल इन विच वरुण स्टडीज, तो क्या आएगा, वरुण्स स्कूल, यानी कि ये चीज़ किसकी बिलोंगिंग के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एपोस्ट्रोफी एस. नाउ दिस इज योर 11th चैप्टर. इन दिस चैप्टर देट इज एडजेक्टिव. नाउ सी द स्पेलिंग ऑफ एडजेक्टिव, adjectives. एडजेक्टिव, यू हैव टू राइट दिस स्पेलिंग 10 टाइम इन योर ग्रामर नोटबुक. ये स्पेलिंग आपको 10 टाइम ग्रामर की नोटबुक में बोल बोल के लिखना है. नाउ सी व्हाट इज एडजेक्टिव, एडजेक्टिव होता क्या है. लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो. हियर दिस इज अ पिक्चर, दिस इज अ वन बॉय फादर एंड दिस इज अ काउ. काउ इट्स ग्रास इन द फील्ड, देर इज अ काइट. इस पिक्चर में क्या है, एक पेरेंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, ये फादर है और ये उनका सन है, और काउ है वो क्या खा रही है, ग्रास खा रही है. ओके, इट इज अ डे टाइम एंड वी कैन सी ट्रीज, बॉयज, अ काउ, अ काइट इन द पिक्चर. यानी कि इस पिक्चर में हमने क्या देखा, ट्रीज, बॉयज, काउ और काइट इन द पिक्चर. What sees are noun, what we see are noun, यानी कि हमने जो सारे देखा, boy है, boy क्या है, noun है, cow क्या है, noun है, grass क्या है, noun है, kite क्या है, noun है. Let us describe this noun. अब noun क्या होता है, मैंने आपको समझाया था, noun is a name of a person, places, animals or thing. यानी कि कोई human being, animals, person, ये सारे birds किसमें आएंगे, noun में आएंगे. इट इज़ अ सनी डे, देर आर टू ट्रीज, यहाँ पे कितने ट्री है, टू ट्रीज. अ टॉल बॉय इज स्टैंडिंग विथ अ शॉर्ट बॉय, यहाँ पे ये पेरेंट्स नहीं, दो बॉय है, कितने बॉय है, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, BOYS बॉयज, मैंने आपको पेरेंट्स कहा लेकिन बट दिस इज नॉट अ पेरेंट्स, देर आर टू बॉयज इन दिस पिक्चर. यहाँ पे दो बॉय है इस पिक्चर में, देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है BOYS, ये कौन सा है, प्लुरल है. और ट्रीज भी लिखा हो, ट्री की स्पेलिंग में सी है, देर इज एस, सो दिस इज ए प्लुरल फॉर्म, दिस इज नॉट ए सिंगुलर. ये कौन से फॉर्म में है, प्लुरल फॉर्म में है. कोई भी चीज़ एक से ज़्यादा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्लुरल, और सिंगल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, नाउन. अ टॉल बॉय इज स्टैंडिंग विथ अ शॉर्ट बॉय, यानी कि एक बॉय लंबा है और एक बॉय शॉर्ट है, तो छोटा है तो उसको क्या बोलते हैं, शॉर्ट, और लंबा हो तो उसको क्या बोलते हैं, टॉल. अ फैट काउ इज ईटिंग ग्रास, काउ है लेकिन वो कैसी काउ है, फैट है, तो फैट क्या है, अ फैट काउ इज ईटिंग ग्रास. तो देखो यहाँ पे है ना, आपको मैं आपको सिखाती हूँ एडजेक्टिव कैसे फाइंड करते हैं. जैसे यहाँ पे अपने काउ क्या होगा, नाउन होगा. एडजेक्टिव मतलब हमें नाउन के बारे में बताता है. एडजेक्टिव्स आर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स दैट टेल अस मोर अबाउट नाउन, यानी कि कोई भी एनिमल्स है, पर्सन है, एनी प्लेस है, कोई थिंग्स है, उस चीज़ के बारे में हमें बताता है, उसे बोलते हैं नाउन. अब देखो मैं आपको समझाती हूँ क्या है यहाँ पे. अ फैट काउ इज ईटिंग ग्रास, काउ क्या होगा, नाउन होगा क्योंकि एनिमल है, लेकिन वो कैसा काउ है, फैट है ना, मोटा है, तो फैट क्या होगा आपका, एडजेक्टिव, क्या होगा, एडजेक्टिव. नेक्स्ट इज अ ब्लू काइट इज फ्लाइंग इन द स्काई, अब काइट क्या है, नाउन है क्योंकि ये क्या है, थिंग्स है. अब वो काइट कौन से कलर का है, ब्लू कलर का है, तो ब्लू क्या होगा, एडजेक्टिव. मीन्स कोई भी चीज़ मैं बोलूँगी मेरे हाथ में पेंसिल है, ये पेंसिल लेकिन कौन से, दिस इज अ पेंसिल, पेंसिल क्या होगा, नाउन होगा क्योंकि ये थिंग्स है, चीज है, लेकिन वो कौन से कलर की है, ग्रीन कलर की, तो ग्रीन क्या होगा, एग्जेक्टिव. ओके, समझ में आया. जैसे यहाँ पे मैं बोलूँगी ये बॉय है, लेकिन ये बॉय क्या है, टॉल है, तो टॉल क्या होगा, एग्जेक्टिव. और ये शॉर्ट है, ये बॉय है, बॉय होगा एग्जेक्टिव, लेकिन वो कैसा बॉय है, शॉर्ट है, टॉल है, कैसा, शॉर्ट है, तो शॉर्ट क्या होगा, एग्जेक्टिव. जैसे आपके पास मैं बोलूँगी आपके पास कोई शर्ट है, लेकिन वो शर्ट कौन से कलर की है, ब्लू कलर की है ना, तो ब्लू क्या होगा, एग्जेक्टिव. और शर्ट क्या होगा, नाउन, यानी कि नाउन की क्वालिटी हमको बताता है कि वो नाउन कैसा है. नाउ सी द वर्ड सनी, टू, टॉल, शॉर्ट, फैट, ब्लू आर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, यानी कि इसके बारे में हमें बताता है उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स. विच टेल अस मोर अबाउट द नाउन्स, यानी कि नाउन के बारे में हमें बताता है. डे, ट्रीज, बॉय, काउ एंड काइट, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स आर कॉल्ड एडजेक्टिव. यानी कि कोई भी नाउन के बारे में हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता है उसको हम बोलते हैं एडजेक्टिव, और उस एडजेक्टिव को हम क्या बोल सकते हैं, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, क्या बोलेंगे हम उसको, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स. अब देखो ये दिस इज द डेफिनेशंस ऑफ एडजेक्टिव. एडजेक्टिव आर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स दैट टेल अस मोर अबाउट नाउन्स. अभी मैंने आपको बोला ना किसके बारे में हमको बताता है, नाउन के बारे में.
तो पहले आपको नाउन फाइंड करना आना चाहिए कि हम नाउन कैसे फाइंड करेंगे। नाउन मतलब क्या होता है, नेम्स ऑफ ए पर्सन, प्लेसेस, एनिमल्स और थिंग्स। अगर कोई एनिमल है तो वो क्या होगा, नाउन। कोई बर्ड्स है तो क्या होगा, नाउन। कोई थिंग्स है यानी कि पेंसिल, रबर, चेयर, कंपास बॉक्स, लंच बॉक्स, टेबल, ब्लैक बोर्ड, चॉक, डस्टर, ये सब क्या होगा, थिंग्स। अब मैं बोलूँगी बॉय, तो बॉय किस में आएगा, पर्सन। गर्ल किस में आएगा, पर्सन। पर्सन मतलब इंसान, ह्यूमन बींग। ओके, नाउ सी एक्सरसाइज ए। हमें एक्सरसाइज ए में क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल सी, एडजेक्टिव्स कैन कम आइदर बिफोर और आफ्टर नाउन। एडजेक्टिव नाउन के पहले भी हो सकता है और नाउन के बाद भी हो सकता है, एडजेक्टिव कभी भी हो सकता है। द ग्रास इज ग्रीन। अब ये ग्रास है लेकिन कैसी ग्रास है, ग्रीन है। यहाँ पे देखो नाउन, पहले आपको नाउन फाइन करना आना चाहिए तो ही आपको एडजेक्टिव फाइन करना आएगा, वरना आपको एडजेक्टिव फाइन करना नहीं आएगा। नाउ सी फर्स्ट वन, द ग्रास इज ग्रीन, ग्रास इज नाउन। अब वो ग्रास कैसी है, ग्रीन कलर की है, तो वो क्या होगा, एडजेक्टिव। सेकेंड वन, विनोद इज अ टॉल बॉय। अब यहाँ पे देखो नाउन क्या है, बॉय है ना, बॉय क्या, और मैंने अभी बोला पर्सन, बॉय किस में आएगा, पर्सन में। अब वो बॉय है लेकिन वो कैसा बॉय है, टॉल है, तो टॉल क्या होगा, एडजेक्टिव। टॉल मीन्स लंबा, तो यहाँ पे अभी आपको क्या कहा, एडजेक्टिव कैन आइदर बिफोर और आफ्टर नाउन। देखो इसमें नाउन के बाद दिया हुआ एडजेक्टिव और यहाँ पे नाउन से पहले दिया हुआ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव नाउन के पहले भी हो सकता है और नाउन के बाद भी हो सकता है। नाउ सी एक्सरसाइज ए, अंडरलाइन द एडजेक्टिव एंड सर्कल द नाउन दे आर डिस्क्राइब। हमें क्या करना है, अंडरलाइन द एडजेक्टिव, हमें एडजेक्टिव को अंडरलाइन करना है और नाउन को सर्कल करना है। इसलिए मैंने एडजेक्टिव में यहाँ पर अंडरलाइन किया है और नाउन में सर्कल किया है। फर्स्ट वन, मिस्टर वर्मा इज एन ओल्ड मैन। और इसमें पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड द नाउन, नाउन क्या है इसमें, मैन। अब वो मैन है लेकिन कैसा मैन है, ओल्ड है, तो ओल्ड क्या होगा, एडजेक्टिव। सेकेंड वन, द एप्पल्स आर स्वीट। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट द नाउन, यहाँ पे नाउन क्या है, एप्पल। तो हम क्या करेंगे, एप्पल में सर्कल करेंगे। पहले आपको ने को नाउन फाइंड करना है, उसके बाद हमें एडजेक्टिव फाइंड करना है। द एप्पल्स आर स्वीट, एप्पल है वो, एप्पल क्या हुआ, नाउन। अब वो कैसा है, एप्पल स्वीट है ना, तो स्वीट क्या होगा, एडजेक्टिव। वो उसकी क्वालिटी बताता है कि वो चीज़ कैसी है। थर्ड वन, यू आर वेयरिंग अ ब्यूटीफुल ड्रेस। अब देखो यहाँ पे ना नाउन पीछे, नाउन बाद में दिया हुआ है और एडजेक्टिव पहले दिया हुआ है। अब ड्रेस है, ड्रेस क्या है, नाउन है। कौन सा नाउन है, थिंग्स में आता है, लेकिन वो ड्रेस कैसा है, ब्यूटीफुल है। ब्यूटीफुल मतलब प्यारा, अच्छा लग रहा है। फोर्थ वन, आई हैव टू पेन्स। पहले नाउन क्या होगा, पेन। अब कैसा पेन है ये, कितने पेन है इनके पास, टू दिया है। इसलिए पेन में देखो, पेन की स्पेलिंग में एस लिखा है, ये सिंगुलर नहीं है, ये कौन सा फॉर्म है, प्लुरल फॉर्म। फिफ्थ वन, सुनील हैज़ ए न्यू बैग। अब देखो यहाँ पे भी नाउन बाद में दिया है, एडजेक्टिव पहले दिया है। बैग है लेकिन कैसे, यहाँ पे बैग में पहले हम सर्कल करेंगे, वो नाउन है। अब वो कैसा बैग है, न्यू है, ओल्ड है, कौन सा है, तो न्यू है, तो न्यू क्या होगा हमारा, एडजेक्टिव। सिक्स्थ वन, यू कैन वेयर द ब्लू शर्ट। अब ब्लू यहाँ पे देखो, शर्ट क्या होगा, नाउन, लेकिन कैसा शर्ट है, ब्लू कलर का, तो ब्लू हमारा क्या होगा, एडजेक्टिव। सेवन्थ वन, आई हैड थ्री स्वीट्स यस्टरडे। मिठाई, स्वीट्स मतलब मिठाई। अब नाउन पहले क्या होगा, स्वीट्स, हम उसमें सर्कल करेंगे, ये किस में आएगा, थिंग्स में आएगा। अब कितनी स्वीट्स है, थ्री है ना, नंबर ऑफ स्वीट्स कितनी है, थ्री, तो थ्री क्या होगा, एडजेक्टिव। एट्थ वन, द वुड कटर वॉज हॉनेस्ट। वुड कटर यानी कि लकड़ी काटने वाला। अब लकड़ी काटने वाला वो क्या होगा, हमारा नाउन होगा। अब वो कैसा है, ईमानदार, तो हॉनेस्ट, ऑनेस्ट में क्या आएगा, अंडरलाइन, हॉनेस्ट मतलब ईमानदार। नाइन्थ वन, द बिग बॉक्स इज अंडर द टेबल। पहले नाउन फाइंड करो, क्या है यहाँ पे नाउन, बॉक्स है, क्या है, बॉक्स है। बॉक्स के बारे में हमें बता रहे हैं, कैसा बॉक्स है, बिग है, तो बिग क्या होगा, एडजेक्टिव। टेंथ वन, टेबल भी एक हमारा नाउन ही है, ओके, टेबल क्या है, नाउन है, लेकिन हमें उसमें यहाँ पे एडजेक्टिव और नाउन दोनों साथ में दिया हुआ है, तो इस वाले को अगर हम टेबल को नाउन फाइंड करते हैं तो वो भी राइट ही है, वो रॉन्ग नहीं है। टेंथ वन, सी बॉट द पिंक रिबन फ्रॉम द शॉप। वो दुकान से रिबन लाई, कौन से कलर की लाई, पिंक कलर की, तो रिबन क्या होगा, नाउन, और शॉप मतलब दुकान, और पिंक कलर की, कौन से कलर की लाई है, पिंक कलर का, तो पिंक क्या होगा, एडजेक्टिव। इलेवेंथ वन, द फूड वॉज डिलीशियस। अब यहाँ पे किसकी बात करिए, खाना की, फूड की, तो फूड है, फूड क्या है, नाउन है। डिलीशियस वो कैसा है, टेस्टी है, बहुत अच्छा है, तो वो क्या होगा,
एग्जेक्टिव। 12th वन, द टॉल बॉय इज राहुल। अब यहाँ पे बॉय है वो क्या है, नाउन है, और उस नाउन के बारे में बता रहा है। बॉय कैसा है, टॉल है, तो टॉल क्या होगा हमारा एग्जेक्टिव। 13th वन, सिंड्रेला वॉज पीटी, यहाँ पे राहुल है ना, ये भी नाउन है, इसको भी आप नाउन में फाइंड कर सकते हो, ओके, ये रॉन्ग नहीं होगा। सिंड्रेला वॉज प्रीटी, सिंड्रेला ये अपने कार्टून आपने सुना होगा सिंड्रेला ना, तो वो क्या होगा नाउन, अब वो कैसी है, प्रीटी है, मतलब बहुत प्यारी है, तो प्यारी के मैं अंडरलाइन करेंगे हम प्रीटी में, ओके। 14th वन, मोहिनी इज इंटेलिजेंट, मोहिनी दिस इज अ नेम ऑफ ए गर्ल, ये किसका नाम है, गर्ल का नाम है, अब वो कैसी है, इंटेलिजेंट है ना, तो इंटेलिजेंट मीन्स होशियार, तो इंटेलिजेंट में अंडरलाइन करेंगे, वो हमारा एग्जेक्टिव होगा। 15th वन, इट इज अ रेनी डे, डे क्या किस में आता है, डे है वो हमारा नाउन है, लेकिन वो कैसा डे है, रेनी यानी कि बारिश का सीजन है। 16, दिस बॉक्स इज वेरी हैवी, हमारे पास बॉक्स है, बॉक्स क्या होगा, नाउन, पहले उसमें सर्कल कर दो, अब वो कैसा है, हैवी है यानी कि वजन वाला है, तो उसमें हम क्या अंडरलाइन करेंगे, हैवी में अंडरलाइन करेंगे। इन दिस वे वी कंप्लीटेड आवर एक्सरसाइज ए। एग्जेक्टिव मीन्स कोई भी चीज़ है लेकिन वो कैसी है, जैसे मैं बोलूँगी मेरे पास एक पेन है, लेकिन वो पेन कौन से कलर का है, रेड कलर का है, पिंक कलर का है, ब्लू कलर का है, तो वो क्या होगा, एग्जेक्टिव, लेकिन उस एग्जेक्टिव को हम क्या बोलते हैं, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, ओके। आपको एक्सरसाइज ए वर्ब ग्रामर वर्ब बुक में लिखना है पेज नंबर 39 पे, एंड यू हैव टू राइट द स्पेलिंग ऑफ एग्जेक्टिव 10 टाइम इन योर ग्रामर नोटबुक, एंड देन राइट दिस डेफिनेशन इन योर ग्रामर नोटबुक। एग्जेक्टिव की स्पेलिंग पहले आप लिखना है, बिकॉज आपको स्पेलिंग पढ़ना आना चाहिए पहले, किसकी स्पेलिंग है, एग्जेक्टिव की स्पेलिंग 10 टाइम बोल बोल के लिखना, ओके, एग्जेक्टिव्स, और देन ये डेफिनेशन, ये क्या है हमारा, डिफाइन, इसको भी बोल के लिखना ग्रामर की नोटबुक में। एग्जेक्टिव्स आर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स दैट टेल अस मोर अबाउट द नाउन्स, ओके। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन यू हाउ टू सॉल्व एक्सरसाइज बी।